हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 70 ऑड क्वेश्चंस जो हॉट टॉपिक्स हैं कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और खासतौर से नेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा वो क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है 35 से और 40 मार्क्स के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन रहता है नेट के एग्जाम में, और करीब 5-5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो है 3.5 मार्क्स के आते हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल बुक है क्वांटम मैकेनिक्स, और आपको बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाना है। और इसमें कुछ एक ऐसे 17 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो एक क्वांटम स्कैटरिंग टॉपिक है जो रेगुलर पूछा जाता है, तो क्वांटम स्कैटरिंग टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, और क्वांटम स्कैटरिंग के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो भी हमें रिमेंबर रखने हैं। तो लगातार क्वेश्चंस क्वांटम स्कैटरिंग से देखा जाता है और लगातार ही क्वेश्चंस देखते हैं, हर बार ही क्वांटम स्कैटरिंग से आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका क्वांटम स्कैटरिंग है जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेरिएशन प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आता है, तो वेरिएशन प्रिंसिपल को भी मैंने हॉट टॉपिक में लिखा है। लगातार देखा जाता है, या तो हर बार ही आता है, यानी तो एक बार के गैप के बाद में क्वेश्चन देखा जाता है वेरिएशन प्रिंसिपल पर। तो वेरिएशन प्रिंसिपल को भी मैंने हॉट टॉपिक लिस्ट में स्थान दिया है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ एक जो मैं देखता हूँ लगातार क्वेश्चंस, वो टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी के एप्लीकेशंस पे है। और आजकल क्या देखा जा रहा है कि टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी का मिक्स क्वेश्चन भी देखा गया है पीछे। तो आप दोनों पार्टिसिपेशन को करके जाएं, टाइम इंडिपेंडेंट को भी करें, टाइम डिपेंडेंट पार्टिसिपेशन को भी करें, और इसकी जितनी भी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, जो पीछे के क्वेश्चन हैं, उन्हें सभी को सॉल्व कर लें, जिससे आइडिया हमें लग जाए कि किस किस तरीका के जो क्वेश्चन हैं वो इस पर बेस आ रहे हैं। तो और जो हमारे दो इम्पोर्टेंट रेफरेंसेज हैं, जेटली का एक रेफरेंस है जो आप सभी लोग पढ़ते भी हैं, और जेटली के साथ जेटली फिफ्थ की बुक है। तो दोनों बुकों की जितनी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सभी को सॉल्व कर लें, और गेट और नेट के जो क्वेश्चन हैं पीछे के वो भी सभी सॉल्व कर लें, जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक को पाए गए हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थ्योरी के बेस क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएँ, और अलग अलग भी सॉल्व कर लें टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन पर। अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा मैंने इसे हॉट टॉपिक में स्थान दिया है। एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ पॉली स्प्रिंग मैट्रिक्स पर, कुछ क्वेश्चन देखे गए लगातार पूछे जाते हैं, तो पॉली स्प्रिंग मैट्रिक्स पर कुछ मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है, तो आप उन्हें भी सहायता दे सकते हैं। तो पॉली स्प्रिंग मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हॉट टॉपिक में स्थान दिया है, क्योंकि इसको भी आप देखेंगे हर बार सही क्वेश्चन जिस पर आता है, नहीं तो एक दो बार नहीं आता उसके बाद रिपीट होने लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा ऑपरेटर की प्रॉपर किंग पर भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, पूछता है कि इनमें से बताएं कौन सा ऑपरेटर हमेशा है, कई बार देखा जा रहा है नेट में इस तरीके का क्वेश्चन। तो हमेशा ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पॉली स्प्रिंग मैट्रिक्स इसको करके चलें, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के जो एप्लीकेशन है उस पर क्वेश्चन देखे गए हैं पीछे, अगर आप देखेंगे पेपर एनालिसिस में तो आप पाएंगे कि ऑपरेटर्स पर भी क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। तो ऑपरेटर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उन्हें सप्लाई करके चले, एल पे एस पे जे पे तीनों पे प्रॉब्लम्स कर लें और उनके अप्लाइड क्वेश्चंस कर लें। कई बार क्वेश्चंस इस पे डायरेक्टली भी आ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉमेंट करेगा कौन सा नहीं करेगा, उस तरीका के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। एक में जो क्वेश्चंस देख रहा हूँ वो लगातार हमें मिलता है, वेव फंक्शन साई देता है, और साई से आजकल तो क्वेश्चन से भी बहुत बार पूछा जा रहा है कि पोजिशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन कैसे चेंज करते हैं, और मोमेंटम स्पेस से हम जो है पोजिशन स्पेस में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके भी फॉर्मूले कर लें और उस पर भी क्वेश्चन लगा लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फेज और ग्रुप वेलोसिटी के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते, लेकिन ये भी क्वेश्चन देखा जा रहा है, ये भी आता है फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी। तो ओमेगा के रिलेशन हमें देता है और फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बीच रिलेशन पूछ लेता है, कई बार उस पर कुछ इंडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम्स भी, तो इसको भी करके चले, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। साथ साथ वेव फंक्शन साई के साथ हम वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, एल एक्स एल वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस तरीका के क्वेश्चंस भी रेगुलरली देखे जाने हैं, तो इसको भी करके जाएं साई की वेरियस प्रॉपर्टीज। गीजेंडेसी एक लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है, तो गीजेंडेसी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कर लें और गीजेंडेसी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। नई नई प्रॉब्लम गीजेंडेसी पर देखी जा रही है जिसमें कई बार एनर्जी आइगन वैल्यू दे देता है और गीजेंडेसी पूछ लेता है, कई बार गीजेंडेसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू पूछ लेता है, और वो गीजेंडेसी के क्वेश्चन जो है
आप ये भी देख लें कि आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में 2D में 3D में इसमें आते हैं या तो या हमारे उसके अंदर आते हैं जो हमारा इनफाइनाइटली पोटेंशियल बॉल है 2D और 3D, तो वहाँ के क्वेश्चन जरूर करके जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने क्या देखा है कुछ वेव फंक्शन पे स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को तो बहुत ही अच्छे से कर लें, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है साइज के देता वेव फंक्शन जय यथा जय कीजिए आर कॉस थीटा लगाना होता है एल स्क्वायर एल जेड पूछ रहा है। एक बार साइज की वैल्यू को एक कॉस स्क्वायर फाइव देकर पूछ लिया था कि इसमें एल जेड की वैल्यू क्या होगी, तो वेव फंक्शन देता वेव फंक्शन से आप वेरियस फिजिकल पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर लें करते हैं वो भी कर लें, साथ साथ इसी में पैटी भी पूछी जाती है कई बार, तो पैटी का एवोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी करके दें। तो इससे मैं चार पांच चीज़ें जो इसमें कंक्लूड करना चाहूँगा जिन पर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करके चले, वो है हमारा एक स्केटिंग का टॉपिक हो गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से करें। उसके अलावा हमारा स्केटिंग के साथ साथ टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी उसके बेस क्वेश्चन उन भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, उसको भी बहुत अच्छे से करके जाएँ। वेरिएशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते लेकिन कैलकुलेटेड होते हैं, तो कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस करके जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में कई बार क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो आपको दो तरह दो चीज़ें करनी है कि एक तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगा के जानी है क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं क्वांटम फिजिक्स से, और कई बार एक दो क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है तो उसको स्किप कर दें बाकी की चीज़ें करें। और साथ साथ इसके अंदर एक डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है, उस डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन में एक फॉर्मूला है जो मैंने लगातार वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप उसी फॉर्मूले को पूरा तैयार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व हो जाते हैं, तो डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन भी एक और टॉपिक में है। तो पांच से छह टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एक हमारा स्केटिंग का टॉपिक, टाइम डिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, उसके साथ साथ डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन और वेरिएशन प्रिंसिपल और साइकी एप्लीकेशन, ये तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 से 7, और आप देखेंगे कम से कम 20 से 25 नंबर जो है इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन मिल जाएंगे इतने मार्क्स का। तो क्वांटम फिजिक्स जो है थोड़ा लेंथी बुक तो जरूर है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है और सिलेक्शन में काफ़ी पार्ट प्ले करती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग क्वांटम फिजिक्स को अच्छे से तैयार करके इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर दूसरी जो बुक मैं इसमें डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें बताना चाहूँगा, वो है हमारे थर्मल और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसे डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस में देखता हूँ लगातार पूछा ही जाता है वो है पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सारे सिस्टम्स के पार्टीशन फंक्शंस को इवैल्यूएट करना जरूर सीख लें, और उसके अंदर हम देख रहे हैं इसके साथ मिक्स क्वेश्चंस आईजी मॉडल का मिक्स कर देता है, जो हैमिल्टोनियन है उसे जीके टर्म्स में देता है, पार्टीशन फंक्शन पूछता है फिर वेरियस प्रॉपर्टी पूछता है। तो आप पार्टीशन फंक्शंस और इसके एप्लीकेशन पर बहुत काम करके जाए, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा आपको निश्चित तौर से, और कई भी बार मैं देखता हूँ मैथ में दो दो क्वेश्चंस तक इसमें इस टॉपिक से मिल जाते हैं, तो आप अच्छे से करें पार्टीशन फंक्शन और इसके एप्लीकेशंस को, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईजी मॉडल में बता ही रहा हूँ, पीछे में देख रहा था लगातार क्वेश्चंस आईजी मॉडल पर आए हैं, तो आईजी मॉडल पर भी बहुत सारी वीडियो है, पार्टीशन फंक्शन पर वीडियो है, उनको आप देख लें उससे भी आपको मदद मिलेगी। एक जो मैं देख रहा हूँ लगातार क्वेश्चंस वो रेडिएशन टॉपिक है, जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है थर्मल स्टैटिस्टिकल का रेडिएशन। रेडिएशन में भी रेडिएशन में पार्टीशन फंक्शन ब्लैक बॉडी का अध्ययन करें और उस पार्टीशन फंक्शन के एप्लीकेशंस कर लें। और रेडिएशन में मैं एक चीज और आप सब लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि रेडिएशन में जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो 3D के अलावा 2D और 1D में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन जो 3D से 2D में आ गया है क्वेश्चन कई बार आ चुका है और लगातार पूछा जा रहा है, और उसके अलावा उसे 1D में भी कन्वर्ट किया जाए, तो आप मेरी कुछ वीडियो मैंने डाली है जो 3D से 2D में कैसे जाते हैं 2D से 1D में कैसे जाते हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडिएशन लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैंने मेंशन किया 1D 2D 3D तीनों के सेज में आप अलग अलग क्वेश्चंस करते जाए। एक क्वेश्चन में क्या देख रहा हूँ लगातार लॉ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन देखा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन देखा जा रहा है Vx प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4 x की पावर 6, इस पर तो दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है कि पोटेंशियल अगर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x की पावर 4 x की पावर 6 पर निर्भर करती है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। और जब भी x4 पर पूछा गया था तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारा क्वेश्चन x6 पर आएगा, अब मैं आगे बता रहा हूँ x8 पर क्वेश्चन आ सकता है, x10 पर आ सकता है, तो पोटेंशियल को बताया वो x की पावर 8 पर डिपेंड कर रहा है, x की पावर 10 पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी,
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन से मैंने लगातार वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसको बहुत अच्छे से करें, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर अप्लाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इसे स्थान दिया है। बहुत सारे इसके इंडेंडेंसेशन पर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, थोड़े से अप्लाई के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं बहुत सारे इसके इंडेंडेंसेशन पर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप 2 से 3 घंटे अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये टॉपिक तैयार हो जाता है और इसके क्वेश्चन भी निकल जाता है। थर्मल स्टैटिस्टिकल की मैं इस बुक की एक खास खूबी ये भी बताऊंगा कि ये बुक कम से कम आपको 25 मार्क्स जरूर देगी, 25 मार्क्स का इस बुक से जरूर आता है क्वेश्चन सारे जोड़ेंगे तो। अगर और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इसके क्वेश्चन इजी आते हैं, थोड़े इजी साइड होते हैं, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से भी मजबूत हैं तो बहुत आसानी से पूरे क्वेश्चन इसके किए जा सकते हैं। तो जब भी आप इस बुक में इनपुट डालेंगे तो इसका आउटपुट जो सबसे बेटर आता है, तो ये बहुत ही अच्छी ऑनता बुक में से कहूँगा, आप इसे अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपेयर जरूर करके चले। सीबीसीबी में पूछता है जैसे क्वेश्चन आजकल मैं देख रहा हूँ, 2D केस में पूछेगा, 2D केस दे दिया, 2D केस के अंदर कह दिया कि बॉडी बुक करना ये आईआईटी केस का केस है, और फिर पूछता है कि सीबीसीबी की लेसन बता दीजिए। अब 2D से 1D में भी पूछ सकता है, 3D में पहले से क्वेश्चन आते रहे इसके, ये इंपॉर्टेंट है। सी पेपर सीबी की एवोल्यूशन 1D में भी सॉल्व करनी सीखते हैं, 2D में भी और 3D में, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इसके कंडेंसेशन इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगातार एक हॉट टॉपिक बना रहा है और ये आगे भी क्वेश्चन इस पर हम देखते रहेंगे, वो है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पे आप अच्छे से काम करके जाएं, सभी केसों में फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी हम कैसे बनाते हैं। कई बार तो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी दे देता है एक्सपीड वर्ब में और उसकी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी हमसे प्रॉप्ट करा देता है, और कई बार क्या करता है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है बनी हुई आती है और वो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में हमें आंसर मार्क करना, तो आप अच्छे से तैयार कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है इसको कर लें। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप 3 से 4 घंटे बहुत सीरियसली इसे पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। जब भी आता है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन से नहीं आता, लेकिन एग्जामिनर धीरे धीरे आसान से चैप्टर हो जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पहले थे थोड़ी सी साइड आते थे, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी सिंपल आती थी, लेकिन अब थोड़ी सी टिपिकल करता चले जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से इस पर बना के जाए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो ये पास्ट टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोल ही रहा हूँ, रेडिएशन वाला पार्टीशन फंक्शन एक्सेप्टिकेशन। अगर मैं कहूँ कि एक श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये टॉपिक मैं निश्चित तौर से इसे काउंट करूंगा पार्टीशन फंक्शन एक्सेप्टिकेशन को। आप पार्टीशन फंक्शन का एवोल्यूशन कैसे करते हैं, और पार्टीशन फंक्शन में मैं देख रहा हूँ कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछ रहा है, एनर्जी स्टेट दे देता है पहले से स्टेटों में पार्ट करके कि ये हमारी एनर्जी स्टेट है, उसका फिर पूछता है जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें देखे गए जब एनर्जी की वैल्यू को दिया है और सी वी और टी का कर्व भी पूछा कई बार, तो आप क्या करें कि पार्टीशन फंक्शन का एवोल्यूशन देख लें कि पहले से एनर्जी स्टेटों में पार्ट के लिए तो उसका रिजल्ट कैसे लेंगे, उसके बाद हम बाकी के फिजिकल पैरामीटर कैसे निकालते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो दी हैं जिसमें मैंने बताया कि जेट को वेरियस फिजिकल पैरामीटर उसके हम से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वीडियो की भी मदद ले सकते हैं, उससे भी आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ लगातार सभी कॉम्पिटिशन में, अगर इंडिया का कोई भी आप एग्जाम उठाएंगे तो आपको निश्चित तौर से इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेगा कार्बन लीक इंजन। तो कार्बन लीक इंजन के कुछ सर्टेन से फॉर्मूले हैं, सर्टेन से कंसेप्ट हैं, उन्हें आप रिवाइज कर लें, कार्बन लीक इंजन को निश्चित तौर से रिवाइज करके जाएँ ड्यूजन की बुक से, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखा जाता है। और ग्रेजुएशन का होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, तो अगर आपको फॉर्मूले भी केवल पता है, और एक बहुत अच्छी बात इस बुक की है थर्मल स्टैटिस्टिकल की पूरी फॉर्मूला बेस है, कि अगर आपको केवल फॉर्मूले भी पता है तो भी आप बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन इसमें नहीं आते, तो आप फॉर्मूला केवल आपको अप्लाई करना आता है तब भी क्वेश्चन इसका निकल जाता है। तो कार्बन लीक इंजन को बहुत अच्छे से करें। एक क्वेश्चन जो लगातार मैं देखता हूँ नेट में, एंट्रोपी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एंट्रोपी को अच्छे से करके जाएँ, एंट्रोपी की अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएँ। पीछे के जो पेपर्स में एंट्रोपी और कार्बन लीक इंजन के क्वेश्चन आए हैं उन्हें करके जाएँ तो उससे आपको फायदा मिलेगा। थर्मोडायनेमिक टेंशन को जरूर करके जाएँ, UFGH का एवोल्यूशन हम कैसे करते हैं, उनकी हेल्प से हम और फिजिकल पैरामीटर को कैसे निकालते हैं, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ही कैपेसिटी का कैसे हम एवोल्यूशन करते हैं ये सब करके जाए, ये हमारे ग्रेजुएशन का बेसिक फंडामेंटल्स है। और आप देखेंगे ये इन टॉपिकों के साथ साथ एक हमारा वाटरवाल्स जो गैस के कंसेप्ट हैं, वाटरवाल गैस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, जो हमारी वाटरवाल गैस के पार्टीशन फंक्शन भी करके जाए और इसके सब एप्लीकेशन जो है वो करके जाए। लगातार मैं देखता हूँ कि वाटरवाल गैस से क्वेश्चन आए हैं और वो जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होते। एक बार तो मैं देख रहा था VC=3 पे क्वेश्चन आ गया था, क्या वो VC और 3B में लेसन पूछ लिया था क्रिटिकल
जो हमारी क्रिटिकल वॉल्यूम का, क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल का प्रेशर का। एक बार मैंने देखा कि पी और रो में रिलेशन देता है और वो फिर पूछता है आरपीसी अपॉन पीसी डीसी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसमें हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं डी पी अपॉन डी रो को जीरो करें, डी टू पी अपॉन डी रो स्क्वायर को जीरो करें, उसके बाद उसे सॉल्व कर दें। तो ये क्वेश्चन भेजे गए हैं, तो वाटरबाग गैस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो गैस के ऑब्सिडेट का है, सदा ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर पूछे भी जाते हैं, गैस के ऑब्सिडेट पर रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। और खास तो इस बुक की ये है कि वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। अगर आपने पहले से थोरली थोड़ी पढ़ी हुई है ये बुक, तो आप सुबह से शाम तक बहुत आसानी से पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे ये बुक लेती है और बहुत जल्दी के साथ जो ये रिवाइज भी होती है और बहुत ही जल्दी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और पेपर को अटेम्प्ट करने की मैं आगे एक स्ट्रेटजी दूंगा कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, उसमें भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें शॉर्ट पिक से और भी ज़्यादा जल्दी से कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक हमारा क्वेश्चन आज कल इस पर आ रहा है, टी बराबर हो एल अपॉन टू के थीटा एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। आइस की का क्वेश्चन देता है, एक तरफ आइस एक तरफ वाटर, और कहता है बर्फ को जमने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस वाले प्रॉब्लम का केस, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाए। वीटमैन फेल्डरों के क्वेश्चन देखे गए हैं कि अपॉन सिग्मा की वैल्यू कॉन्स्टेंट, और सी वी पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाई स्क्वायर बाई टू के थ्री अपॉन ई एफ टू आर, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर मैं देखता हूँ लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं। साथ थर्मल एक कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थर्मल स्टैटिस्टिकल का भी पार्ट है और वो हमारे सॉलिड स्टेट में भी पढ़े जाते हैं, और उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम सब वाकिफ हैं उससे, डिवाई थ्योरी कंसेप्ट है। और डिवाई थ्योरी पर लगातार क्वेश्चन नहीं पर लिखा जाता है, तो डिवाई थ्योरी को बहुत अच्छे से तैयार करें। और आइंस्टीन और जो हमारे ड्यूलिंग पैकेट है उसका भी मोटा मोटा आइडिया लेकर चलें, तो बहुत जल्दी से छोटा टॉपिक है और जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि थर्मल स्टैटिस्टिकल पे आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये भी रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो रेफरेंस है उन्हें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-3 रेफरेंसों को भी अच्छे से रिवाइज करें, एक ग्रेजुएशन की बुक आपके पास सभी के पास होगी उसको पूरी को रिवाइज कर लें, और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो हमारा पीजी के लिए आपने जो भी बुक पढ़ी हुई है आके पथारिया को पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। गंभीर की बहुत ही अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, तो दो बुकों से आपका काम चल जाएगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है। एक इसमें एक क्वेश्चन जिसे मैं मेंशन करना भूल गया है लेकिन उसे भी मैं बताना चाहूँगा, एक वैलिडिटी कंडीशन का क्वेश्चन है जो लगातार पूछा गया है पिछले के एग्जाम में, वैलिडिटी कंडीशन होता क्लासिकल गैस एंड क्वांटम गैस, इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया है और पीछे कुछ समय तो ऐसा रहा कि लगातार ही क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो उस टॉपिक को भी मिस करना ना भूलें, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैलिडिटी कंडीशन। तो मुझे उम्मीद है थर्मल स्टैटिस्टिकल पर अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप थर्मल स्टैटिस्टिकल में बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। अगला अभी जो बुक मैंने इसमें डिस्कस की है जो मैं करना चाहूँगा वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स जो बुक है थोड़ी लेंदी है, सिलेबस थोड़ा सा इसका वाइड है, लेकिन इसका आउटपुक भी बहुत अच्छा है। अगर तीन बुक में लगातार वीडियो में पहले भी बोलता रहा हूँ, तीन बुक जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उनमें एक मैथमेटिकल फिजिक्स भी है जो आपको 35 से 40 मार्क्स तक कंट्रीब्यूट करेगी नेट के पेपर में, और जिनका बहुत अच्छा मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत अच्छी होती है उनको नेट के सिलेक्शन अच्छी पड़ता है सदा ही, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स को ज़्यादा अच्छा होने का जो फायदा मिलता है वो ये कि मैथमेटिकल फिजिक्स के जो कंसेप्ट आप सीखते हैं वही क्वांटम में बहुत जगह अप्लाई हो रहे होते हैं, वही बहुत जगह ईएफटी में अप्लाई हो रहे हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स को अच्छी होने से और लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मैथमेटिकल फिजिक्स की जो हमारी एप्लीकेशन से सारे कैलकुलेटेड है, तो आजकल पूरा ही पेपर कैलकुलेशन का आता है, तो अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, तो आपको निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। तो कैलकुलेटिव पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर और सटीक मिलता ही मिलता है। उसमें मैं देख रहा हूँ पीछे के एनालिसिस मैंने बहुत किए, बहुत डीपली एनालिसिस किया पेपर का, तो मैं देख रहा हूँ न्यूटन रैप्सन बायसेक्शन और ट्रेपजॉइडल रूल पे लगातार क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन इन तीनों में मैं देखता हूँ लगातार पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन जो है इन तीनों में फैको करके जाएँ तो आपको निश्चित तौर से मिलने के चांस रहेंगे क्वेश्चन। और ऐसी तरीका से पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है, पॉलीनोमियल में मैं देख रहा हूँ बेसल फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन आप ये भी ना सोच के चले कि हर बार क्वेश्चन बेसल पे आता रहेगा, डीजे पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, हर वाइट पे भी देखे गए हैं,
तो पॉलिनोमियल से इक्वेशंस के चांस रहते हैं 5 नंबर के मार्क्स में, इक्वेशंस के इन तीनों में जगहों पर क्वेश्चन के रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पर भी पूछा जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैंने हॉट टॉपिक्स में स्थान दिया है। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछी जा रही है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन बहुत अच्छी क्वेश्चन नहीं आ रही डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो वो जमाना लग गया जब लीनियर डिफरेंशियल के सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। तो आप करके जाए बेसिक में, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चंस कर लें, होमोजीनियस के कर लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कर लें, और सीएफ और पीआई के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो करके जाए, यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। मैट्रिक्स में सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं आता, मैट्रिक्स का अप्लाइड क्वेश्चंस आता है, तो अगर मैट्रिक्स या तो आप स्किप करके जाएँ, और अगर आप करके जाएँ तो फिर इसे थोरली पढ़ते जाएँ। इसको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन से ऐसे मैं देख रहा हूँ, पीछे के पेपर एनालिसिस में बड़े ध्यान से मैंने देखा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बल्कि थोड़ा डीप क्वेश्चन आ रहा है। तो मैट्रिक्स को जो है अच्छे से तैयार करें, साथ साथ फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन सिंपली आते हैं। अगर आपको सीधे सीधे फॉर्मूले भी पता है और फॉर्मूले के एप्लीकेशन पता है तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता फोरियर लाप्लास का, सीधे फॉर्मूले कर लें और उसको कुछ कुछ क्वेश्चन कर लें। और साथ साथ हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे यही क्वेश्चन है 0 से 2π d थीटा कोण a + b cos थीटा इसका टू स्क्वायर जो होती है 2π कोण √a² - b² इस पर क्वेश्चंस देखा गया है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे रेज्यूम के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक जनरल आउटलुक बना लिया है, आपको पता है सिंपल पोल कैसे निकालते हैं, कैसे सिंगुलरिटी निकालते हैं, कैसे आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड करते हैं, कैसे ब्रांच पॉइंट पता करते हैं, अगर आपको ये बेसिक बेसिक बातें पता है तो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। एक जो लगातार क्वेश्चन में देख रहा हूँ और टॉपिक्स में जिसे मैं स्थान देना चाहूँगा वो इरर और डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। पीछे कुछ समय से नहीं आया, लेकिन या तो इरर पे क्वेश्चन आएगा या डायमेंशन एनालिसिस आएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो ये भी आपका लगातार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं जरूर करके जाए, इस पर भी हर 2-3-4 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसको भी देख लें। वेक्टर कैलकुलस की बेसिक एप्लीकेशंस आप जरूर करके जाएं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना, ये सब क्वेश्चन जरूर कर लें। डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी, ग्रेडिएंट कर्व, इनके इक्वेशंस जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो देखे जाते हैं। ज़्यादा डीप क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से भी नहीं आते, तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस का मैं आइडिया दे रहा था कि कितनी चीज़ों पर आप फोकस करके चलें। तो ये तीन जो ऑन द बुक थी ये मैंने डिस्कस की, इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो मैं बताना चाहूँगा वो हमारी इंपॉर्टेंट बुक में है ईएमटी, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। ईएमटी का जो वो है कंट्रीब्यूशंस वो भी 35 से 40 के आसपास ही रहता है, तो 35 से 40 नंबर तक की तीन बुक रहती हैं लगातार जो मैं बताता रहा हूँ पहले भी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और ईएमटी। इन तीनों बुकों पर आपको कमेंट बहुत अच्छे से रखनी है, अगर ये तीन बुकों पर आपकी कमांड अच्छी है तो फिर आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। इसमें ईएमटी में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन जो है या तो ईपीए इवोल्यूशन पर क्वेश्चन मिलता है या बीके इवोल्यूशन पर मिलता है, या तो किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है या मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। अब तो मैं कुछ समय से देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिस्टम्स के कैसे उपयोग करते हैं वो जरूर सीख लें, ई सीख लें, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से कर लें। तो गॉस लॉ से सीधा सीधे क्वेश्चंस देखे गए हैं पीछे, ई का एवोल्यूशन, ई से ई का एवोल्यूशन के बाद वी कैसे कैलकुलेट करते हैं सिस्टम का, वी के साथ साथ हम लाप्लास पॉइजन इक्वेशंस के अप्लाई कैसे करते हैं, उनके एप्लीकेशंस, इन पर क्वेश्चंस देखे गए हैं रेगुलर। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो इन कोर्सों से मिलेगा जो मैं अभी बता रहा था, ई पे या बी पे क्वेश्चंस मिलेगा, या इनके बीच में जो लाप्लास पॉइजन इक्वेशंस इनके एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन मिलेगा। ये लगातार क्वेश्चन ध्यान से पूछे जाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सदा बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस का एप्लीकेशन, एक इसी में रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस के फॉर्मूले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में वो पूछे जाते हैं, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू एन1 एन2 के टर्म्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस से आप देखेंगे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेनल इक्वेशंस उनके एप्लीकेशंस उस पर भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और डीप कंसेप्ट है जो हमें आना ही चाहिए। रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लगातार क्वेश्चन देखा जा रहा है, रेडिएशन में भी हम देखते हैं आपको रेगुलर क्वेश्चन आता है या एक बार का छोड़ने के बाद अगली बार आता है, मतलब एक भी बार बीच में स्किप करते हैं उसके बाद फिर से रिपीट होता है। रेडिएशन एक अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करके चले जाए, डिपेंडेंसी जो है रेडिएशन की सारी करके जाए,
चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन की है चाहे मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन की, और ग्रीडल की जितनी भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सभी को निकाल लें। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के जितने भी रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ पेपर ज़्यादातर इसी बुक से लगता है, तो ग्रीडल को बहुत अच्छे से कर लिया जाए। डाइपोल मोमेंट के एवोल्यूशन पर क्वेश्चन में देख रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट को कैसे एवोल्यूट करते हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चन में देखता हूँ डाइपोल मोमेंट पर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन उसमें आते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर इसके कंसेप्ट पता है तो आप इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन इस पर बिल्कुल नहीं पूछे जाते। साथ साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे बॉडी वेटर के एप्लीकेशन हैं उस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन में देख रहा हूँ जब ई को देता है और बी की वैल्यू को एवोल्यूट कराता है, और फिर इसी में आगे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बी के साथ ई निकालो फिर बॉन्डिंग वेक्टर निकालो फिर पावर जो है कितनी रेडिएट हो रही है उसको एवोल्यूट करो, इसमें क्वेश्चन देखा जा रहा है पॉइंटिंग वेक्टर पर। तो पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले। ई क्वेश्चन में देख रहा हूँ बी बराबर कर ले वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशंस, इस पर क्वेश्चन देखा जाता है, और ई बराबर माइनस ग्रेडिएंट वी माइनस लीनियर अपॉन डीटी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉज कंडीशंस जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मिरर चार्जेस पर मैं देखता हूँ, मिरर चार्ज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना रहता है, मिरर चार्ज पर निकल लें अगर कुछ दिन से क्वेश्चन नहीं आया तो ये भी रिपीट हो सकता है, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक टॉपिक है इसका। प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग वेरियस वीकम जरूर करें, और बी एस सी की बुक से जो है पोलराइजेशन को पूरा पढ़ लेना है, पोलराइजेशन के पे क्वेश्चन जो है अप्लाइड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा ई एल टी का पोर्शन था, हालांकि लेंदी बुक है लेकिन आप अगर सेलेक्टिव टॉपिकों को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाएंगे तो भी ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। फॉर्मुलेशन भी इसकी याद करके जाए, फॉर्मुल पर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, तो ये भी अच्छा वो था जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका कंट्रीब्यूशन भी मैं बता ही रहा था, यहाँ कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट बता लिखे देता हूँ 35 से 40 के बीच, और ये जो बुक है वो 25 के अराउंड आप इसको पाएंगे, और 35 से 40 के अराउंड इसी बुक को पाएंगे, ये भी बुक इसी रेंज में मिलेगी आपको 35 से 40 मार्क्स के आसपास तक, और एक छोटी बुक और बहुत जल्दी से प्रिपेयर होने वाली और जिसका आउटपुट जो है वो बेस्ट आता है वो भी ये बुक है, 25 मार्क्स के आसपास इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, प्लस माइनस 500 में चलता है। ये मैं कई अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, कई बार एक क्वेश्चन किसी बुक से पर्टिकुलर से ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में जो ग्रेजुएशन के लेवल पर बेसिक फंडामेंटल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हैं वो तो जरूरी पढ़ लें, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है फोर्स दे देता है, कई बार फोर्स को वेलोसिटी डिपेंडेंट दे देता है, वी की रिलेशन पूछ लेता है, और कई बार फोर्स को पोजिशन एक्स का फंक्शन दे देता है, उसमें फोर्स को एक्स का फंक्शन देने पे डिस्टेंस का देने हुए कि इस बाद में फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करा लेता है। तो यहाँ से न्यूटन मैकेनिक्स एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलेगा, तो न्यूटन मैकेनिक्स को अच्छा करें और ये न्यूटन मैकेनिक्स के एप्लीकेशन को अच्छा करें। एक क्वेश्चन जो है मैं देख रहा हूँ लैग्रैंजियन रिवॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टम में कई बार सिस्टम बना देता है उसका लैग्रैंजियन पूछ लेता है कि इसका लैग्रैंजियन कैलकुलेट करें, कई बार कोऑर्डिनेट दे देता है तब लैग्रैंजियन पूछ लेता है, तो लैग्रैंजियन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लैग्रैंजियन जो इक्वेशन है एक बार एल जब हमें पता चलेगा उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एल को कर लें, हैमिल्टोनियन के एवोल्यूशन को कर लें, हैमिल्टोनियन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हैमिल्टोनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पेपर का डीप एनालिसिस मैंने करके देखा है एल से एच, एच में कन्वर्जन और एस से एल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। पॉइजन ब्रैकेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर से पॉइजन ब्रैकेट के एप्लीकेशन पोर्शन सदा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पेपर में निश्चित तौर से कभी भी नेट का आपके पढ़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप इसके आसपास क्वेश्चन ना पाएंगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर से आपको मिलेगा, कई बार दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई करना जरूर सीखें, खासतौर से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, आपका कोई पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस क्वेश्चन ना पूछा जा, चाहे वो ब्रेकिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन हो चाहे नॉन ब्रेकिस्टिक केस, दोनों ही केसों में करके जाए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। और कंजर्वेशन लॉ के लीनियर मोमेंटम के भी क्वेश्चन कर लें, एंगुलर मोमेंटम के भी कर लें कुछ क्वेश्चन, और टॉर्क वगैरह के एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ तक जरूर करके जाए। एक क्वेश्चन जो यहाँ मैं देख रहा हूँ वो रिलेटिविटी का क्वेश्चन है,
से क्वेश्चन आता है, और रिलेटिविटी आप दोनों तरीका की करके जाएं, एक ईएमटी वाली रिलेटिविटी भी और ईएमटी के साथ साथ जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स वाली रिलेटिविटी है, दोनों कर लें। एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे और पहले भी क्वेश्चन यहाँ से आता रहा है, तो रिलेटिविटी पे एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलता है, ये भी कन्फर्म है यहाँ से भी क्वेश्चन। नॉर्मल बोर्ड पर मैं क्वेश्चन काफी देख रहा हूँ पीछे के पेपर एनालिसिस में, नॉर्मल बोर्ड से क्वेश्चन देखा जा रहा है जहाँ पे वी देता है फंक्शन एक्स का और फिर उसमें नॉर्मल फोर्ड फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो ये मैंने काफी वीडियोस पर दे रखी है। आप वी को डी अपॉन डी एक्स बराबर जीरो करके एक्स को एक्स नॉट निकालें और उस एक्स बराबर एक्स नॉट के ऊपर डेल स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लें और ओमेगा की वैल्यू को अंडर रूट डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स नॉट अपॉन एम कर लें, तो सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता, इजीली निकल जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक्सर एवोल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स में, मैं देख रहा हूँ कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है एक्सर एवोल्यूशन कैसे करते हैं, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाए। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन का बेसिक फंडामेंटल है उसको पढ़ते जाए, एक से दो क्वेश्चन जो है वो आपको निश्चित तौर से ग्रेजुएशन के लेवल के इसमें मिलेंगे, हो सकता है दो की बजाय तीन भी मिल सकते हैं, तो आपको खासतौर से 3.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बेसिक बीएससी ग्रेजुएशन वाले जो क्वेश्चन हैं वही होते हैं, या उन्हें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के भी कह सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पीजी लेवल पर क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली मिलते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर भी देखे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन तो यहाँ से 5 मार्क्स में जरूर आएंगे और 3 क्वेश्चन कम से कम इसमें 3.5 मार्क्स में आएंगे। तो ये हमारा एनालिसिस था क्लासिकल फिजिक्स का। इस बुक की मैं 2 चीज़ें खासतौर से इसमें बताना चाहूँगा, छोटी बुक है जल्दी से प्रिपेयर हो जाती है और इसका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा आता है, जितना आप इनपुट देंगे उस हिसाब से प्रपोजल आउटपुट देती है, तो अच्छी बुक है इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके चले। ये 5 बुक थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और बाकी जो बुक्स हैं उनमें अगर आप सेलेक्टिव तैयारी कर लेंगे, कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं, उन्हीं को आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आप आसानी से एक एक दो क्वेश्चन वहाँ से जीवी निकाल लेंगे। सॉल्व स्टेट में 5 से 6 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर में देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी को पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए और सुपर कंडक्टिविटी के अप्लाइड प्रॉब्लम्स कर लें, पीछे के जो पेपर से उन्हें सॉल्व कर लें और कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद में देख लें कि क्या क्या आगे फ्यूचर पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते, बहुत डीप नहीं आते, प्रॉब्लम भी सिंपल क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड कंसेप्ट खासतौर से। उसके अलावा 30 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर कर लें, ऐसे क्वेश्चन की संभावना है, हालांकि जो मैं देख रहा हूँ ये सभी कंपटीशन में 30 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आते रहे, इसलिए इसको जरूर पढ़ते जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिवाइड थ्योरी और आइंस्टीन और वो मैं पहले बता चुका हूँ, थर्मल स्टैटिस्टिकल में भी रहती है यहाँ भी रहती है, तो उसको जरूर कर लें। ब्रेक्स लॉ का क्वेश्चन देखा जाता है रेगुलर, मैं देख रहा हूँ पीछे के पैरालिसिस में ब्रेक्स लॉ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्ट्रक्चर फैक्टर पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये दोनों टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लगातार पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन। उसके अलावा जो बेसिक है मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है उन्हीं को पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी एससीपी की सब प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, पैकिंग फ्रैक्शंस वगैरह ये सब अवेलेबल कर लें, सिंपल जो क्वेश्चन है वो इस पर भी कई बार पूछे जाते हैं, ये ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चन होते हैं ब्रेक्स लॉ स्ट्रक्चर फैक्टर और ये वाले, तो इनको जरूर अच्छे से कर लें। फ्रैंकल इफेक्ट और शॉकिंग इफेक्ट पर भी क्वेश्चन देखे गए हैं, एफ का एवोल्यूशन पूछा जाता है कई बार, नंबर ऑफ फ्रैंकल इफेक्ट या शॉकिंग इफेक्ट के फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराडाइन फेरो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट और लेटेस्ट हीट, खास तौर से टी क्यू लॉ और सी वी ई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का टी पर निर्भर करना, मैथमेटिकल रूल, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सिंपल क्वेश्चन जो इस पर भी पूछे जाते हैं। बहुत छोटी सी बुक है, अगर सुबह से शाम तक आप बैठ जाएंगे तो बहुत ईजीली इसे तैयार कर सकते हैं, और केवल एक ही बुक आप पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ लें और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर किचन वाले रेफरेंस से पूरा पढ़ लें, तो आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी ये बुक, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 से 15 मार्क्स की ये बुक आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती क्योंकि छोटी बुक है तो ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ सर्टेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलेगा, तो आप श्योर हो सकते हैं अगर आपने एलिमेंट के पार्टिकल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलेगा अप्लाइड क्वेश्चन एलिमेंटल पार्टिकल का, उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते जाए। 3 क्वेश्चन आप 5 मार्क्स का इस पेपर से पाएंगे,
15 मार्च का न्यूक्लियर फिजिक्स मिलेगी। सिलेक्शन पूल आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, बीटा रेज के सिलेक्शन पूल, गामा रेज के सिलेक्शन पूल, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके थे, लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर। एल्फा डीके बीटा डीके में दोनों चीज़ें करके थे, गेम थ्योरी भी और फर्मी थ्योरी भी पूरी पढ़ के थे, बीटा डीके की वहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं सिस्टम्स में, न्यूक्लियर सिस्टम्स में, वो भी देख लें। उसके साथ साथ सेल मॉडल और सेलिंग पेलकन मास फॉर्मूला लगातार हॉट टॉपिक रहते हैं, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ ओवर इफेक्ट भी इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस ओवर इफेक्ट में मैं देख रहा हूँ कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो ओवर इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर इफेक्ट भी, खासतौर से दो तीन फॉर्मूले हैं इसमें, उसी का बेस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, और चाहे वो वेट का पेपर हो, नेट का पेपर हो, टेस्ट और जेम के पेपर हो, सभी पे सेल मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल मॉडल को मैंने प्रीफ्रेंस पे रखा है। रेडियो एक्टिविटी से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगातार क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पर बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंपॉर्टेंट जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा न्यूक्लियाई पर भी क्वेश्चन देखा गया है, वहाँ से भी आता है कई बार क्वेश्चन। तो आप जो ये टॉपिक्स हैं अगर आप ये निकाल लेते हैं, एक हमारा एनर्जी ईजे बराबर जे डी प्लस वन एस का स्क्वायर अपॉन टू वाई, रोटेशनल एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से करके जाएं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी बहुत छोटी सी बुक है और बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाती है, सुबह से शाम तक आप इसे रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने इसको थोड़ी पढ़ रखा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो 15 मार्क्स के आसपास ही आप इस तरह से पेपर की उम्मीद करें, और 15 मार्क्स के आसपास ही यहाँ से उम्मीद करें। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बता रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, छोटी बुक है, बहुत ज़्यादा जल्दी बुक नहीं है, जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें भी शॉर्ट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर से क्वेश्चन आप देखेंगे, कई बार ऑपरेशन एम्पलीफायर पर इनपुट अप्लाई करना है, आउटपुट पूछ रहा है, तो आपको किरचॉफ्स के करंट लॉ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने आने चाहिए, तो क्वेश्चन निकल जाता है। उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिटल को अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन निश्चित तौर से ओपीएमपी से जरूर मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जरूर मिलेगा, ये तो तय है, दो क्वेश्चन तो यहाँ से तय ही हो जाते हैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन जो है कि ईसीएम केवीएल एप्लीकेशन अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपका काम चल जाता है। और एक का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो फॉर्मूला बेस होता है सिंपली, और उसमें चाहे फैक्ट का कोई फॉर्मूला लग रहा हो, चाहे डायलॉग का लग रहा हो, चाहे ट्रांजिस्टर का लग रहा हो, या केवीएल केसीएल लग रहे हो, तो इतने से ही काम चल जाता है। बहुत लेंथी टॉपिक्स नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, बहुत छोटा रेफरेंस है, बहुत जल्दी से इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी छोटी बुक है, इसे भी मैं छोटी बुकों में गिनता हूँ, और इसका कंट्रीब्यूशन भी आप 15 मार्च के आसपास उम्मीद कर सकते हैं, 15 से 20 नंबर के आसपास, ज़्यादातर 3 क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, 2 क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछ लेते हैं, 3.5 मार्क्स में भी, और कुछ 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों जगह पूछी जाती है। ये बुक एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स में खास खूबी इस बुक की ये है कि इसका भी जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा सा है जो आपके सिलेबस में है, और 6-7 टॉपिक ही ऐसे इनसे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण तो एनएस और जेजे कपलिंग को कहूँगा, कपलिंग पूछी जाती है, कपलिंग के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा रमन स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रमन इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा में जितने भी क्वेश्चन राजकुमार जी ने दे रखे हैं अपने रेफरेंस में, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, और उसके रमन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से तैयार करके चले जाएँ। उसके लिए लेजर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आता है, लेजर से लगातार, लेजर पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें फॉर्मूले सब बता रखे हैं, जो क्वेश्चन हैं वो भी बता रखे हैं, तो उसको रिपीट कर लें, उससे फायदा मिलेगा। एक जहाँ से मैं शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन की उम्मीद करता हूँ, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं, जीमान इफेक्ट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में रखना, जीमान इफेक्ट, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जीमान इफेक्ट पर भी एनामोलस जीमान इफेक्ट, लेकिन जी इफेक्ट बहुत पूछा जा रहा है, तो उसको तैयार कर लें बहुत अच्छे से। इस प्रो इंटरक्शन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइल स्ट्रक्चर जो है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और जो बेसिक कंसेप्ट हैं क्वांटम फिजिक्स के उसे बहुत अच्छे से करें। ऑर्थर मीजर से आप देखेंगे, अगर आपने क्वांटम फिजिक्स में ऑर्थर मीजर को अगर अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसमें भी देखेंगे 10-15 नंबर की ऑर्थर मीजर से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो होता है उसी की जो प्रॉब्लम्स है सीधी सीधी पूछ ली जाती है, डाटा भी चेंज नहीं होता, तो आप ऑर्थर मीजर को पढ़ेंगे तो उससे निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। इंटेंसिटी रूल पूछा जा रहा है एल्केन स्पेक्ट्रा पे, आजकल लगातार इंटेंसिटी रूल मैंने डिस्कस भी किया है वीडियो, आप उसको भी देख लें। इस पर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में जो डेल्टा टी है रेजिस्टिक एनर्जी करेक्शन जेड की पावर 4 पर देखा जा रहा है, इस पर बेस फॉर्मूला भी क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है। तो ये हमारे करीब जो ओवरऑल टॉपिक्स थे
ये 70 बेहतर टॉपिक्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो फिर आपके लिए नेट की राहें बहुत आसान पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बशर्ते आप कैलकुलेशंस में अच्छे हों, कैलकुलेशन की रोज प्रैक्टिस भी करते हों और लगातार जो पेपर से पीछे के पेपर से जो है नेट के वो आपने सॉल्व किए हुए हैं, फॉर्मूलों का आपने अच्छे से रिविजन किया हुआ है और लगातार 10 से 12 घंटे का आप इसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर से इसमें सफलता मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा उसके भी एग्जाम नहीं है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है उन लोगों के लिए टाइम बहुत आसान है। तो मेरी शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से वीडियो सभी स्टूडेंट को देश के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए उनको सभी को ये लाभ देगी। थैंक यू एंड ब्लेस्ड फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।